बीमार कहते हैं जी हमें रोज़ा माफ़ है, कैसे मरीज को रोज़ा माफ़ है? सादा लफ्जों में मुझे ये फलां डॉक्टर साहब ने कह दिया, तो डॉक्टर साहब के कहने से रोज़ा माफ़ नहीं होता। अगर वो वाकई डॉक्टर साहब हो तो फिर तो काम चल जाएगा, ज़ाहरी तौर पे उसका कोई काम खिलाफ शरा ना हो। अब वो माहिर हाजिक और गैर फासिक डॉक्टर है, अब उसकी बात पे अमल किया जाएगा। और ऐसा डॉक्टर आपको कभी भी मशवरा नहीं देगा, आपके सर में दर्द है रोज़ा छोड़ दें, कान में हल्का सा दर्द है रोज़ा ही ना रखें, क्योंकि वो खौफ खुदा वाला होगा, वो आपको जहन देगा भाई रोज़ा नहीं छोड़ना। हाँ, अगर आपकी बीमारी का ये आलम है, ये हद है कि रोज़ा रखते हैं तो शाम तक आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है, नाकाबिले बर्दाश्त दर्द शुरू हो जाएगी, नाकाबिले बर्दाश्त मसाइल खड़े हो जाएंगे, अब इस्लाम ने आपकी मुकम्मल रियायत रखी है, जितने रोज़ों में यह मसला बनता है उतने दिनों के रोज़े छोड़ दें, रमज़ानुल मुबारक के बाद उन रोज़ों की कज़ा कर लें, अल्लाह करीम ने आपको रुख्सत दी है। अब सादा लफ्ज़ों में हामला, दूध पिलाने वाली और मरीज, इनको मुतलक रुख्सत नहीं है कि जो भी अमल वाली है रोज़ा माफ़, जो भी दूध पिलाए रोज़ा माफ़, जो भी बीमार हो रोज़ा माफ़, ऐसी बात नहीं है, बल्कि शरायत के साथ जिसका जिक्र मैंने कर दिया।